क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर सेवन में कहते हैं एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दोनों इक्वल पार्टनर हैं भाई. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एट 31 दिसंबर. क्या क्या डेटा दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको बताना है, वाई का शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे आता है भाई. इसके लिए आप बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, स्टार्ट करते हैं हम किससे, प्रॉफिट फॉर द ईयर से. सही जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर. थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ. प्रॉफिट फॉर द ईयर में हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेपर टू में हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि जिसने जितनी ड्रॉइंग की हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. जब उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड होगा, लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब, जिसने जितना कैपिटल लगाया उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. लेस कर देंगे सैलरी, सैलरी माइनस कर देंगे, जो बच जाता है वो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है रेजिडुअल प्रॉफिट. और वो जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, डिवाइड. बताओ इस सवाल में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 24,200. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस सवाल में है नहीं, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिया हुआ है कितना है, एक्स का 1300 और वाई का जी 1100. एक आ गया 1300 और एक आ गया 1100, दोनों को ऐड कर दें, ये हो गया 2400. इसको माइनस कर, फिर एक और चीज़ माइनस करेंगे, सैलरी. सैलरी किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं 4000. सैलरी वाई को मिल रही है 4000, ये भी माइनस कर देंगे. जो बच जाएगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वह रेजिडुअल प्रॉफिट. 24200 में से ये दोनों माइनस कर दो, 24200 माइनस 2400 माइनस 4000, बच गया कितना 17,800. ये रेजिडुअल प्रॉफिट, ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट है डिवाइड हो जाएगा, हम लिखते हैं लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स और वाई में डिवाइड हो जाएगा. रेशो क्या गया भाई, रेशो सवाल में दिया भाई इक्वली, इक्वली तो 17,800 डिवाइड बाय 2, हमें बताना है वाई का शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, तो दोनों का सेम होगा 17,800 डिवाइड बाय 2, यह आ रहा है 8900. एक का शेयर कितना आ रहा है 89. अच्छा अब देखो ये बोल रहा है वाई का शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट, तो रेजिडुअल प्रॉफिट तो वाई को और एक्स को कितना मिल रहा है, दोनों को 8900 मिल रहा है. एग्री कर रहे, अगर मैं आपसे कहता व्हाट वाज वाई शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट अलग होता है, टोटल प्रॉफिट अलग होता है. रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब जो बच गया, टोटल का मतलब वाई को क्या कुछ मिलेगा. वाई को सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना 1100, फिर वाई को सैलरी भी मिलेगी कितनी 4000, फिर वाई को रेजिडुअल प्रॉफिट भी कितना मिलेगा 8900. अगर मैं आपसे पूछता टोटल प्रॉफिट तो इन तीनों को ऐड करते थे 8900, 1100, ये हो जाता 10,000, फिर 400, 14,000. तो जो टोटल प्रॉफिट होता वो क्या होता 14,000, लेकिन रेजिडुअल प्रॉफिट सिर्फ कितना है, आ गई बात.